राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत बेहद गंभीर है। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आनन फानन में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार रांची पहुंच गया है। आपको बता दें कि रांची के रिम्स में लालू प्रसाद यादव भर्ती हैं, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया जा सकता है। तो वहीं विपक्ष के तो कई लोग लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी इनमें पीछे नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से भी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के लिए कामना की जा रही है। आपको बता दें, अभी आपको एक हम वीडियो दिखाते हैं, उसमें देखिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेहतर स्वास्थ्य की वे कामना करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, राजनीति वैचारिक प्रतिद्वंदिता का विषय है, निजी प्रतिद्वंदिता का विषय नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन हम सभी एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होते हैं, शामिल होते हैं और होना भी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी सुप्रीमो इन दिनों सजायाफ्ता हैं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके बीमार होने की खबर मिली है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएं। उनसे पूरी सहानुभूति है और हम सभी की कामना है कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएं, वे दीर्घायु हो, इसकी हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो सुना आपने, निखिल आनंद भी बीजेपी प्रवक्ता हैं और वो भी लालू प्रसाद यादव की बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव जितने बड़े राजनेता हैं, उनकी जो फहरिस्त है लोगों की, वो कम नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष के भी कई लोग शुमार हैं और वो भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, और निखिल आनंद ने भी उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना किया, यानी कि बीजेपी भी लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है।